नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। हमारा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर चल रहा था। दो पार्ट हम इसको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें हम 20 अप्रैल तक का करंट अफेयर हो चुका है। आज हम 21 से 30 तक का करंट अफेयर ये तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा पूरा अप्रैल का करंट अफेयर कम्प्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देश में लगाए गए लॉकडाउन में हवा की गुणवत्ता को पानी की गुणवत्ता के सुधार किया गया है। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय के अनुसार जल निकायों में 40 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल प्रवेश करता है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी रिपोर्ट में द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 20 के अनुसार भारत में 2019 में लगभग 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे, जो आज तक का दुनिया में सबसे अधिक हैं। मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत ने 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार खो दिया है। पहले भारत करने वाला था, लेकिन अब किसके पास पहुंची है? सर्बिया के पास। न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसे मूडी भी कहा जाता है, हाल ही में 2021 के लिए भारतीय GDP को 0.2% तक घटा दिया है। सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद मूडीज का विकास दर लगभग 5.2 से घटकर 2.2 कर दिया। अच्छा, मूडीज ने ये घटाया था, ये तो हमने अप्रैल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कल रिपोर्ट आई है, मैं जो ये बना रहा हूँ उस दिन के एक दिन पहले रिपोर्ट आई थी, तब उसने 0% कर दिया हमारे इंडिया का GDP। के संस्थानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई, ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व MD और CEO सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अक्टूबर निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उन्हीं के साथ उनका भी निधन हुआ है अभी, इरफान खान का, इन्हीं से एक दिन पहले। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने से छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सबसे ज़्यादा किसने दिया? 18 लाख लोगों को रोजगार किसने दिया? राज्य ने, छत्तीसगढ़ ने। IFS अधिकारी TS त्रिमूर्ति को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर टाटा टेक्नोलॉजीज बारामूला और जम्मू में आविष्कार नवाचार उष्मायन और प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित करेगी। USCIRF अंतर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भारत की विशेष चिंता के देशों में शामिल किया है। अल्पसंख्यक जो हैं उनको, उनकी जो कंडीशन है इस समय भारत में, उसे विशेष चिंता के देशों वाले ग्रुप में रखा गया है भारत को। कावेरी जल विभाग जल प्रबंधन प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय तहत लाया गया। यह पहले जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन आता था, अब किसके अंदर आ गया? हमारा जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। CWMA के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2018 में केंद्र द्वारा तमिलनाडु कर्नाटक केरल पुडुचेरी के बीच नदी के बाहर पानी के बंटवारे के विभाजन समाधान में की गई थी। तो कावेरी नदी का जो जल का जो विवाद है वो 4 राज्यों के बीच में, तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुडुचेरी। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने बताया कि देश में साइबर हमलों की संख्या वर्क फ्रॉम होम के कारण बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण के कर्मचारियों में जियो फेंसिंग प्रतिबंधों को ढील देने के कारण साइबर हमलों को सामना करना पड़ सकता है। 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने बताया कि देश में साइबर हमलों की संख्या 28 अप्रैल 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए पीटर वर्ग क्लाइमेट डायलॉग 11वें सत्र में भाग लिया। मुख्य बिंदु यह संवाद का मेजबानी जर्मनी ने की थी। तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु प्रतिनिधित्व करते हुए पीटर वर्ग क्लाइमेट डायलॉग, कौन सा सत्र था ये? 11वां। किसने की मेजबानी की इसकी? जर्मनी ने। किसने भाग लिया? हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने। जल शक्ति अभियान में ग्रामीण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए COVID-19 स्वास्थ्य संकट से निपटने के सभी उपाय, इसके अलावा योजना के ग्रामीण श्रम बाल बलों को भारी उपलब्धता में लॉकडाउन का उपयोग किया जाएगा। ब्रिक्स के विदेश मंत्री में COVID-19 निपटने के लिए चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद बैठक में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये की जाएगी। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। मुख्य बिंदु इस प्राधिकरण की स्थापना एक अधिसूचना के माध्यम से की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी यह सूचना IFSCA अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रभावों के लागू करती है। 18 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने COVID-19 के संचार को रोकने के लिए भारत को $1.5 मिलियन का ऋण की मंजूरी दी है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का भी निधन हो गया, उनके बारे में पद्मश्री से सम्मानित थे 2011 में, और इनकी कैरियर ने अपनी शुरुआत सलाम बॉम्बे से की थी। कुछ और भी फिल्में हैं इनकी, बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं। उन्होंने कुछ हॉलीवुड फिल्में भी बनाई थी, स्पाइडरमैन लाइफ ऑफ पाई, जुरैसिक वर्ल्ड और इन्फेनो। आंध्र प्रदेश के पूर्व MD और CEO सुरेश एन पटेल, बताया मैंने अभी, CBC का सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में पर्यावरण बल और जलवायु परिवर्तन मंत्री जावड़ेकर ने जर्मनी में जो आयोजित हो रही थी उसमें हिस्सा लिया है। रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक पिच ब्लैक COVID-19 खतरों के कारण रद्द कर दिया। पिच ब्लैक अभ्यास मुख्य रूप से रक्षात्मक हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई युद्ध का अभ्यास करना है। यह अभ्यास उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। तो पिच ब्लैक कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। और ये क्या है? वायुसेना का कुछ अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना कई सारे देशों के बीच में होता था। ध्यान रखना पिच ब्लैक के से रिलेटेड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपने विवादित नक्शे में लद्दाख के हिस्से को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, और इसमें जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को क्षेत्रों में बिंदीवार रेखा से रूप से निरूपित किया गया है। IIT बॉम्बे ने और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर के छात्रों ने रोहदार नामक एक कम लागत का वेंटिलेटर का आविष्कार किया है। रोहदार आविष्कार किया किसने? IIT बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर NIT के छात्रों ने इसको डेवलप किया है। इसकी कीमत 10,000 रुपये है बस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी संगठनों में ग्लोबल फंड, यूनाइटेड, ये सारे संगठन हैं जो COVID-19 को एक्सीलरेटर लॉन्च किया। इससे साझेदारी कोविड चिकित्सा निदान के टीके वीके सबकी इसमें डेवलप करने में हेल्प लेगी। 27 अप्रैल 2020 को 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों में 5 राज्य मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा ने COVID-19 मुक्त हो गए। तो एक मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा भी है इसमें। मेघालय, असम और मिजोरम में नए मामले दर्ज नहीं है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। C3S कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और CAMS कॉपरनिकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस ने पुष्टि की है कि ओजोन परत का छिद्र स्वतः ही ठीक हो रहा है। मुख्य बिंदु यह छिद्र आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। यह छिद्र का निर्माण असामान्य जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। 7 अप्रैल 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व में पूंजी बाजारों में तरलता का प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि यह COVID-19 म्यूचुअल फंड पर तरलता का दबाव डालता है। स्टॉक होम ने इंटरनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री में हालिया वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2019 में $732 अरब के साथ दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला, और उसके बाद चीन है, और उसके बाद हमारा भारत का तीसरा नंबर आ गया है। सऊदी अरब में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ICD में राष्ट्रीय दूत के रूप में भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को नियुक्त किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करप्ट अप्रोच को रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए उमर अकमल को 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्रिकेट में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हाल ही में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस कारें लॉन्च किए। यह बिंदु इन बसों को कारों को नई दिल्ली से लेह के लॉन्च किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसी तरह की प्रस्तावित कार किया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक बस हैं, 10 इलेक्ट्रिक बस हैं जो हमारी दिल्ली से लेह तक चलेंगी। 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में NTC मिसाइल को सफल परीक्षण किया। मुख्य बिंदु इन मिसाइलों को विमान और युद्धपोत में दागा गया। परीक्षण के समय किया गया जब पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण चल रहा है। 27 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल में इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है, और ये 58 वर्षीय मरीज को प्लाज्मा थेरेपी की खुराक दी गई है। 27 अप्रैल 2020 को भारत ने बांग्लादेश में 1,00,000 हाइड्रोक्लोरोक्विनोन टैबलेट, 50,000 स्टेराइल सर्जिकल दस्ताने और अन्य आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है। मुख्य बिंदु इसमें पहले भारत ने COVID-19 आपातकालीन फंड के तहत सहायता की पहली किस्त
15,000 हेड कवर और 30,000 सर्जिकल मास्क भेजे थे। कहाँ भेजे? बांग्लादेश में। भारत सरकार ने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योगों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया, जिससे कोई हड़ताल ना कर सके। 25 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी संजय कोठारी ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय सतर्कता CBC के रूप में शपथ लिए। वह रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मौजूद थे। हाल ही में सचिव प्रीति सूदन 3 महीने का विस्तार कर दिया। इनके हाल ही में स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे, सूचना प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इन्हें। हाल ही में बीमार के पीड़ितों को दफन या दाह संस्कार को रोकने के तमिलनाडु में 3 वर्ष के कारोबार की सजा सुनाई गई है। पता करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बतानी पड़ेगी वहाँ। पूर्व राज्यपाल और दिग्गज कांग्रेसी नेता देवानंद कोवर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया गुवाहाटी में। हाल ही में उड़ीसा नाटककार, गीतकार और पटकथा लेखक विजय मिश्रा का भुवनेश्वर में निधन हो गया। ईरान ने हाल ही में अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थित किया गया है यह उपग्रह, जो COVID-19 संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। मुख्य बिंदु ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने यह उपग्रह लॉन्च किया। 24 अप्रैल को केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बात कही है। 24 अप्रैल 2020 को नासा में हवल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने वाले अपने 30 वर्षों का उत्सव मनाया। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला स्पेस टेलीस्कोप में से एक है। हवल स्पेस टेलीस्कोप हवल स्पेस ऑब्जर्वेटरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी से चलाया गया था। BRO हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए रोहतांग दर्रे से खोला गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के खांसी जुकाम बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाई खरीदने वालों की नज़र रखने के मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है। कुछ खांसी जुकाम की दवाई लेकर नॉर्मल ठीक कर लेते तो उन पर नज़र रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिससे वो पता चल जाएगा कहीं ऐसा नहीं कि वो दवा ले रहे हैं खांसी जुकाम के उन्हें कोरोना हो। 24 अप्रैल 2020 को चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने अपनी पहली मंगल अन्वेषण मिशन को Tianwen-1 नाम दिया है। CNSA ने यह घोषणा की कि इसके बाद सभी ग्रहों को मिशनों को Tianwen श्रृंखला के नाम दिया जाएगा, 1, 2, 3 ऐसे करके नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और 2 पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु एप्लीकेशन से पंचायतों गांवों को विकास की परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपये बचाने के लिए यह कदम उठाया। मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन को लागू कर दिया। पेंशन पर लागू होगा, वैसे महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा किसी को भी इस बार। 2020 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रतिबंध दवा मिश्रण में मात्रा के आधार पर अपराधी की सजा तय की जाएगी, न कि शुद्धता पर। और शीर्ष अदालतों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट के तहत स्पष्ट कर दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस पहली बार 24 अप्रैल को मनाया गया था। मुख्य बिंदु इस दिन की संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया गया है। 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। यह दिवस द्वारा 1898 के एंग्लो मणिपुर युद्ध को लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में सशस्त्र संघर्ष था। 23 अप्रैल को भारत संसाधन विकास मंत्री और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। मुख्य बिंदु इस कैलेंडर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NCERT द्वारा की तैयार किया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, और ये 1992 में 73वें संशोधन में पारित किया जाता है। और इस दिन गांव, तहसील और जिला स्तर पंचायत में राज्य व्यवस्था को निर्माण किया गया था। हाल ही में बिना भौतिक स्पर्श के फाइलों को दस्तावेज को आवाजाही को सक्षम करने के लिए CISF ने ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? CISF ने। हाल ही में केरल COVID-19 को लड़ने के लिए धन जुटाने के लिए अगले 5 महीने तक हर महीने 6 दिनों का वेतन काटा जाएगा। कहाँ पर? केरल में। हाल ही में श्री चित्रा
त्रिनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा चित्रा मैग्ना नाम की एक आरएनए निष्कर्षण किट विकसित की है। हाल ही में COVID-19 आईआईटी दिल्ली वास्तविक समय में नैदांतिक परीक्षण के लिए ICMR अनुमोदित प्राप्त करने वाला पहला शैक्षिक संस्थान बन गया। कौन सा? आईआईटी दिल्ली, जिसे ICMR के द्वारा पैसा दिया जाएगा इस COVID-19 की रिसर्च के लिए। हाल ही में ओडिशा सरकार ने उन प्रभावी श्रमिकों को पंजीकरण के लिए पोर्टल COVID-19odisha@government.in लॉन्च किया। इसमें तीन मई के बाद राज्य में वापस लौटने की उम्मीद है। हाल ही में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए IMF ने पाकिस्तान को $1.39 बिलियन की आपातकालीन ऋण प्रदान किया। किसने दिया है? 1.39 IMF ने। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.20 लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ई लर्निंग सामग्री को योगदान देना और बच्चों को देश में कहीं भी और कहीं भी अपने सीखने की जारी रखने में मदद मिलेगा। दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक पोटेसिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी को ठीक करने की मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु कैबिनेट के अमोनियम फॉस्फेट जैसे जटिल उर्वरक को उपयोग को भी मंजूरी दी है। उर्वरक की सब्सिडी पर खर्च होने वाला 22,186 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। कर्नाटक सरकार ने COVID-19 को लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन हेल्पलाइन शुरू की है। यह एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु इस एप्लीकेशन के द्वारा उद्देश्य COVID-19 पर चिकित्सक मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। 22 अप्रैल 2020 को विश्व चैंपियन PV सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामांकित किया गया। यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा शुरू किया गया है। मुख्य बिंदु यह है कि अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छ खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। सीमा सड़क संगठन रावी नदी के ऊपर स्थायी पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। कसोवाल पुल पंजाब और किसानों को अपनी फसल को आसानी से ले जाने में मदद करेगा। पंजाब के किसानों को मुख्य बिंदु इस पुल का निर्माण समय से पहले पूरा कर लिया गया। नासा ने घोषणा की कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मुख्य बिंदु नासा द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 में औसत की तुलना में 2020 में एरोसोल्स ऑप्टिकल डेप्थ सबसे कम रहा। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों में ई शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए विद्यादान 2.0 शुरू किया है। हाल ही में COVID-19 स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को परेशान करने वाले को दंड करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। 7 साल की सजा या 5 लाख रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। ये बना दिया है स्वास्थ्यकर्मी जो भी कुछ कठिनाई हुई थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने COVID-19 को लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन को मोबाइल ऐप शुरू किया है। IGB इंस्टीट्यूट ऑफ द जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली ने वैज्ञानिकों को कम लागत वाला COVID-19 टेस्ट विकसित किया है। हाल ही में फेसबुक रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपये 9.99% की हिस्सेदारी की। किसने की है? फेसबुक ने। किसके साथ? जियो रिलायंस के साथ। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने IM बैडमिंटन अभियान में PV सिंधु को एम्बेसडर बनाया। अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया। यह अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। मुख्य बिंदु इस बैठक के राष्ट्र को पोषण और खाद्य सुरक्षा पर एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। विश्व प्रेस दिवस 22 अप्रैल को सूचकांक लॉन्च किया गया। इसमें भारत का स्थान 142वां स्थान है। मुख्य बिंदु वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में भारतीय पत्रकारों की हत्या नहीं होने के देश की सुरक्षित स्थिति हुई है। टीम मास फोर्स BCCI क्रिकेट कंट्रोल द्वारा बनाया गया। इसमें भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़। मुख्य बिंदु टीम मास फोर्स का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने से महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। पुणे नगर निगम ने साइम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप को होम क्वारंटाइन लोगों को निगरानी के लिए विकसित किया गया है और इससे पता चलेगा कि लोग जो क्वारंटाइन में हैं घर पे वो क्वारंटाइन कर रहे हैं नहीं प्रॉपरली। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के बीच सुजलम सुफलम
जल संचय अभियान के तीसरे चरण को शुरुआत की है। गुजरात सरकार ने मानसून से पहले झीलों, नदियों और चेक बांधों को गहरा करने की योजना बना रहा है। इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्य में 2 दिनों में के लिए रैपिड टेस्ट किट का उपयोग बंद कर दिया। शुरू किया था, चीन से किट आई थी लेकिन उसमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, इसलिए बंद कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ट्विटर में कोविड इंडिया सेवा नामक एक आधिकारिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु इस प्लेटफॉर्म में कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों को वास्तविक समय में समाधान प्रदान करना का एक उद्देश्य है। हाल ही में इसराइल लिक्विड पार्टी ने नेतन्याहू और ब्लू एंड वाइट पार्टी के मुख्य प्रतिनिधि को बेनी गेट्स गठबंधन सरकार को गठन पर सहमत की दर्शाई है। हाल ही में एडम हिगिनबॉटम ने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कॉलवे पुरस्कार जीता है। बहुत छोटा नाम है बुक का भाई, पूरी बुक का नाम ही बुक में लिख दिया। हाल ही में 2000 से 2006 तक फिजी के प्रधानमंत्री रहे लाइसेनिया करेज का 79 साल की उम्र में राजधानी सूबा में निधन हो गया। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। प्रधानमंत्री कौन रहे वहाँ के? लाइसेनिया, जिनका निधन हुआ अभी 2006 तक रहे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया। यह पुल निर्माण BRO द्वारा किया गया है। मुख्य बिंदु है कि इस पुल का निर्माण कार्य BRO द्वारा किया गया है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने अपनी वेबसाइट www.morth.nic.in के एक टैक्सबुक लॉन्च किया। इस डैशबोर्ड में ढाबों ट्रकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्य बिंदु है कार्गो ट्रक ड्राइवर्स क्लीनर्स की मदद के लिए यह डैशबोर्ड लॉन्च किया है। भारत सरकार ने 8.89 करोड़ रुपये किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,793 करोड़ रुपये जारी किए। मुख्य बिंदु है सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को मदद के लिए राशि प्रदान की गई है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ कोविड-19 मुक्त हुआ है। इसके बाद मणिपुर दूसरा मुक्ति वाला राज्य है। बिंदु है कुल 7 सकारात्मक मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स समूह का यह न्यू डेवलपमेंट बैंक का बैंक भारत में $1 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग के आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 23 से 24 2020 को आयोजित की गई। यह परिषद कोविड-19 के प्रभावों पर चर्चा करेगा। मुख्य बिंदु 2 दिवसीय बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए सिंचाई क्षेत्र में 36 गौरतलब है कि खेती को लॉकडाउन को पूरी तरह से छूट दी गई है। मुख्य रूप से बिंदु इस दौरान चावल की खेती में मुख्य रूप से वृद्धि देखी गई है। पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया। किसको? कपिल देव त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया। इस योजना के तहत 1,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी को 50,00,000 रुपये तक का विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। कौन सा है? योद्धा कल्याण योजना। कहाँ पे? मध्य प्रदेश सरकार ने। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कोविड-19 के कारण किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर बांध रणनीतिक पुल का उद्घाटन किया। हाल ही में गोवा देश का पहला शून्य कोविड राज्य बन गया, मुख्यमंत्री सावंत ने कहा। ये थे आपके पूरे अप्रैल के करंट अफेयर, आज का अप्रैल तो थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से लेकर 10 मई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।